हार्ट का अगर एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना, तो तकलीफ क्या आती है? आप अपने टर्म्स में सोचिए कि आपको तकलीफ क्या आती है, तो आपको सॉल्यूशन पता चलेगा। आप देखेंगे थोड़ा जोर लगाने पे सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है तो तकलीफ क्या आ रही है आपको, पहले वो सोचो। आप शब्दों के जाल में ना फंसे, आप पहले सोचें कि आपको तकलीफ क्या आ रही है। तकलीफ क्या आ रही है? जोर लगाने में तकलीफ आ रही है। जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके आप जोर नहीं लगा सकते। तो जो हार्ट की कंडीशन है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, क्या चीज कम हो गई है आपकी, क्या चीज वीक हो गई है, सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई है। कोई भी हार्ट डिजीज आपका ठीक हो जाएगा कुंभक से, कोई भी हार्ट डिजीज, पहली बात, यहां से वो ठीक होना शुरू हो जाए। मगर आप ध्यान दीजिए, ये दवाई नहीं है कि ऐसे इंजेक्ट किया और ठीक हो गया। आपको अपने ऊपर धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा। गैस कब बनती है शरीर में? जब डाइजेशन वीक होता है तो गैस बनती है, फर्मेंट होता है कोई चीज। डाइजेशन फर्मेंटेशन दो प्रोसेस है। डाइजेशन में गैस नहीं बनती, वो प्रॉपरली इस्तेमाल हो जाएगा जो भी खाएंगे। फर्मेंट में सड़ेगा, वो कोई चीज सड़ेगा तो गैस बनेगी। इसके दो कारण। पहला कारण, जैसे ही आप केमिकल डालते हैं, आपका गट माइक्रोबायोटा, गट में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, जो फ्रेंडली कीटाणु है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो मर जाते हैं। तो आपको उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या प्रोबायोटिक कुछ अभी भी लेंगे ना? प्रोबायोटिक कहते हैं उसको। हम पहले अचार बनाते थे, कंजी बनाते थे, वो प्रोबायोटिक होता है अगर सही तरीके से उसको बनाया जाए। काली गाजर की कंजी बनती है ठंड के टाइम पे, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। और भी आजकल और भी तरीके के मिल्क के प्रोबायोटिक काफी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना, और दूसरे तरीके के प्रोबायोटिक भी अवेलेबल है। तो उन कीटाणुओं को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, अच्छा रहेगा नेचुरल तरीके से उसको रिप्लेस कर। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड, तो लिवर फंक्शन आपका वीक हो चुका है। हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिवर के साथ में, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस का भी कनेक्शन होता है लिवर के साथ में। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है, दूसरी बुद्धि है, उसको मालूम है आपका भोजन क्या है, लिवर को मालूम होता है कि आपका भोजन क्या है, ठीक है ना। तो प्रकृति तो एनिमल्स जानवरों को कंट्रोल करती है, तो गाय को तो आप मांस नहीं खिला सकते क्योंकि गाय को पक्का मालूम है उसका भोजन क्या। शेर को घास नहीं खिला सकते, मगर इंसान के साथ में थोड़ा फ्रीडम है, कुछ भी खाता है वो। उसका सेंस जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए वही कम हो गया। तो दो चीज आप अगर इंप्रूव कर दें, कुंभक करना शुरू करें, हार्ट डिजीज ठीक होगा, लिवर को सपोर्ट मिलेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, प्रोबायोटिक थोड़ा लेंगे, या फिर बाकी अगर कुछ सपोर्ट लेना चाहें तो कुछ नेचुरल सपोर्ट लेंगे। 6 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, आप देखेंगे आप आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा आपका, इजेक्शन फ्रैक्शन बड़े आसानी से बढ़ जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप शब्दों के जाल में ना फंसे, अपने एक्सपीरियंस में देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।